अब शुरू हुए हैं कल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, और मेरे अपने बच्चों के अब शुरू हुए हैं, कल पहला पेपर है। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि बच्चे जो हैं, जितने भी जिसके भी बच्चे हैं, सब शुरू हो जाएँ और अच्छी तरह से पास, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो बस बच्चों का कल पेपर है ना, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए क्विक सा कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। अभी फारिग हुई हूँ मैं ट्यूशन्स देकर, बच्चों को, बहुत सारे बच्चे अभी बैठे हुए थे यहाँ पर और सब अभी अपने अपने घर गए हैं। तो अभी मैं फारिग हुई हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो बच्चों के लिए कुछ बना लेते हैं। मेरे अपने बच्चे थोड़ा सा ब्रेक लेकर बैठे हैं, अब जितनी देर में इनका थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा तो मैं थोड़ा कुछ बना दूँगी इनके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है ना फास्ट फूड पसंद है, लेकिन आपको पता है अभी ज़रा थोड़ा सा मेरा जो है वेट लॉस का जो मेरा चल रहा है मुहिम, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ऐसा कोई फ़ास्ट फूड बना नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि विंग्स बनाती हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे विंग्स का पैकेट निकाल के रखा है और डोनट्स बना रही हूँ। तो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन तो चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे कंट्रोल करना है, बाकी तो सारे जो खाने के हैं वो खाएँगे ही। तो बस डोनट्स के लिए मैंने क्या किया था कि एक कप मैंने दूध ले लिया था, थोड़ा सा गर्म करके, वार्म मिल्क था, नीम गर्म, जो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही ठंडा हो। तो उसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब ईस्ट पाउडर डाल के उसको साइड पे रखा, और यहाँ पर ले लिया 1.5 कप के करीब मैदा। मैदे के अंदर मैंने डाल दिए 3 टेबल स्पून के करीब चीनी, 1 अंडा और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने घी डाल दिया। आप तेल भी डाल सकते हैं जो रिफाइंड ऑयल होता है। 1 चुटकी नमक डाला और फिर वो जो दूध रखा था ना ईस्ट पाउडर वाला, उससे अच्छी तरह से इसको गूंद लिया। गूंदने के बाद इसको बहुत अच्छा सा नीट करना है, इसको जो है ना ये बहुत स्टिकी सा हो जाता है ना, क्योंकि ये अगर नरम होगा ना तो ही हमारे जो डोनट्स हैं वो नरम नरम बनेंगे, वरना वो भी ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल हार्ड से बनेंगे। तो बस डो को अच्छी तरह से नीट किया, देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो है। इसको अच्छी तरह से नीट करने के बाद जो है ना रेस्ट देना होता है, रेस्ट देंगे तो इतनी देर में ये राइज हो जाएगी। तकरीबन इसको रखने का जो टाइमिंग है वो है 1 से 1.5 घंटा, इससे ऊपर टाइम आप रख सकते हैं, मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इतनी देर ही लगती है राइज होने में। तो बस इसको रख दिया मैंने साइड पर, इसको आप किसी गर्म जगह पे भी रख सकते हैं। अभी तो हमारा पूरा जो हैदराबाद है ना वो ओवन की भट्टी बना हुआ है, तो आप कहीं भी रखें ये राइज हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो विंग्स मैंने निकाल के रखे थे, ये पहले मैंने साफ़ करके वॉश करके रखे थे, लेकिन दोबारा से मैं इनको वॉश कर देती हूँ ताकि जो है थोड़ा बहुत जो शक होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे ये वॉश किया और इनको मैंने भाई यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है एक बाउल में, और इनकी सारी मैरिनेशन करनी है। बहुत सिंपल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है। आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा, अगर बच्चों के पेपर नहीं हुए तो इस तरह की पार्टी बच्चों को अरेंज करके दें, अगर हो गए हैं तो भी एक पार्टी अरेंज करके दें, ताकि बच्चों को जो है ना वो एक थपकी जो होती है ना शाबाश वाली वो मिल सके। तो बस मैंने इसके अंदर डाल दिए मसालों में, चिली सॉस जाएगा इसके अंदर और जो है केचप, या आप ले सकते हैं चिली गार्लिक सॉस जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें इसके अंदर। नमक डाल दें, कुटी हुई काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून के करीब, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर। अच्छा, आप यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट या लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं, पाउडर डालें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैंने नहीं डाला, मेरे बच्चों को फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए ब्राउन शुगर, और फिर इसको थोड़ा चटपटा करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया था तंदूरी मसाला। वैसे ये इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन भी हम पाकिस्तानी जो है ना, जब तक हमें कुछ चटपटा ना मिले ना तब तक हमें थोड़ा सा सुकून नहीं मिलता है या रिलीफ नहीं मिलता है, जो भी आप कहना चाहें। तो बस मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब वो भी डालकर और उसको सारा मैरिनेट करके रखा है। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है एक छोटे से पैन में मैंने मसूर ले लिए, जो साबुत मलाई का मसूर होते हैं ना उसका पुलाव बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने मसूर जो है 1/2 कप के करीब उबालने के लिए रखे हैं, कोई नमक वमक नहीं डाला है, ये तकरीबन 30% तक कुक हो जाएंगे ना, इतनी देर तक मुझे बस इसको उबालना है। और दूसरे स्टोव पर आप जो देख रहे हैं ना, इसमें मैंने 1 कप दूध लिया था,
और दूध के अंदर मैंने ये कस्टर्ड पाउडर डाला, ये चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर है, इसके अंदर जो है ना चीनी भी डली हुई होती है। पैकेट मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी बहुत सारी कंपनीज़ की चीज़ें आ रही होती हैं। ये मैंने लिया था, मुझे ये वाला पसंद आया था और मैंने इस्तेमाल भी किया, तो इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है। और इसको मज़ीद चॉकलेटी बनाने के लिए मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चॉकलेट भी ऐड कर दी है क्रश करके, और जब इसको पकाया ना तो ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया और कलर तो आप देख ही रहे हैं। तो बस इसको भी साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए, इसका ठंडा होना लाजमी है। इसको मैं फ़िल करूँगी डोनट के अंदर। और अब जो है एक पैन ले लिया, पैन के अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और ये जितने भी विंग्स थे ना इनको मैरिनेट करके रखा था, तकरीबन 15-20 मिनट ही हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मैरिनेशन को। अगर ज़्यादा देर तक रखते ना तो और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मैंने पैन में ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है, ये खुद ही पकते रहेंगे स्लो स्लो फ्लेम पर, यानी लो टू मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल हल्का भी नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन गल जाता है फ़ौरन से। और फिर इसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ पुलाव की, क्योंकि पुलाव के लिए सबसे पहले तो प्याज कटेगी, फिर आलू और फिर टमाटर वगैरह सब कुछ कटता रहेगा। मैं आपसे थोड़ी सी बातें भी करती जाऊँगी, प्याज को ब्राउन भी करती जाऊँगी। पैन मैंने ले लिया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया था तकरीबन 1/2 कप के करीब सरसों का तेल। अच्छा, मैंने 1/2 कप लिया है, आप चाहें तो उसको क्वान्टिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा ऑयल जो है ना कम कर रही हूँ, कम इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बस इसलिए जो है ना थोड़ा सा कम डाला है। प्याज मैंने 2 लिए थे, बड़े साइज़ के थे, इनको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। अब आते हैं एक पॉइंट पर जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, पाकिस्तान जो है ना तरक्की कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना इसके लोग इसको तरक्की करने ही नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी इंसान तरक्की कर रहा होता है ना, देखिए एक मुल्क की तरक्की ना उसके बाशिंदों के ऊपर होती है, कि जब तक इंसान ख़ुद तरक्की नहीं करता ना तब तक उसका मुल्क तरक्की नहीं करता। अब यहाँ पर अगर हम किसी को तरक्की करता हुआ देख लेते हैं ना तो उसकी टो में लग जाते हैं। यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा ये वाला जो सीन है ना ये देखती हूँ, मेरे खुद के साथ भी होता है बहुत बार, तो बहुत लोग इस तरह से करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, इनको क्या मिलता है। मैं अपनी ही बात करूँ ना अगर, तो लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है। अब जब से यूट्यूब चैनल चलना स्टार्ट हुआ ना तो यहाँ पर जो है ना तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको इश्यूज़ होना स्टार्ट हो गए कि भाई क्यों ये ट्यूशन भी पढ़ा रही है और ये इसका चैनल भी चल गया है, इसके अलावा फ्रोज़न फूड का बिज़नेस भी है तो क्यों है। तो भाई अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा शऊर दिया है, वो मैंने इस्तेमाल किया है, आपके पास भी शऊर है आप भी इस्तेमाल कर लें। तो बस ये मसले मसाइल जो है ना ये लोगों के साथ चलते रहते हैं, वो लोगों की टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं ना, तो दूसरों की टांग खींचना छोड़ें, मेहरबानी करके आप जो है ना अपना थोड़ा अपना फ्यूचर देखें, अपने बच्चों का फ्यूचर देखें और टांग खींचना छोड़ दें। इससे कुछ नहीं होगा, आप जितना टांग खींचते जाएंगे ना उसको हम आपको झटका मार के और ऊपर चले जाते जाएंगे और आप जो है ना वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये सारा लेक्चर किसी रिलेटिव के लिए नहीं था, कुछ नेबर्स हैं यहाँ पर, मेहरबानी करके मेरे हस्बैंड को फ़ोन मत कर देना कि मेरे लिए ऐसा कहा होगा। तो मैंने किसी रिलेटिव के लिए ये ऐसा नहीं कहा है, ये नेबर्स के लिए था, कुछ नेबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में प्याली में पानी लिया है और पुलाव की सारी जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने राइट कर दी हैं साथ साथ जब मैं लेक्चर्स दे रही थी। तो खैर मैंने यहाँ पे पानी लिया, पानी में 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डाला और कॉर्नफ्लोर के साथ मैंने डाल दिया चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही मैंने डाल दिया चिली गार्लिक सॉस। ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया विंग्स के अंदर, वो बहुत अच्छा सा सोसी सा एक जो टेक्सचर होता है ना वो मिल गया। ऊपर से तिल छिड़क दिए, थोड़ा सा धनिया छिड़क दिया, चाहें तो हरी मिर्चें भी छिड़क दें, मैंने नहीं छिड़की थी क्योंकि बच्चों के मुँह में आती है ना, फिर इस तरह के जो हम लोग आइटम्स बना लेते हैं बच्चों के मुँह में आती है तो उनको नहीं पसंद आती। तो खैर ये तैयार हो गया और बहुत मज़े का बना था, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये आप विंग्स के अलावा दूसरे जो चिकन के पीसेस होते हैं ना उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत मज़े की लगती है, लेकिन बोन वाला पीस होना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो खैर अब यहाँ पर मैंने एक तरफ तो मेरा पुलाव साइड पे कर दिया, मैंने पुलाव का जो मसाला भूनने के लिए रखा था वो, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है ताकि जल्दी जल्दी से डोनट्स बन सकें। अब जाहिर है अगर हमें ये वाला काम करना होता है ना तो वो दिन में करना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और फिर जो है इसको इन्जॉय करने में मज़ा आए, लेकिन मेरे पास दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं था, कपड़े वगैरह भी धुलने थे, सब कुछ बच्चों की दूसरे दिन की तैयारी स्कूल की करनी थी, फिर आपको पता है सो ताम झाम होते हैं। तो खैर
वो सब निपटा लिया मैंने और जल्दी जल्दी बन गया, अल्लाह का शुक्र है। अब देखें, मैंने चावल भी डाल दिए हैं, पानी डाल दिया था इसके अंदर और पानी का नमक भी डाल दिया था, जैसे जो चावलों का नमक बाद में डालते हैं ना, तो मुझे वो सही लगता है, मैं बाद में डालती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना, चावल डाल के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। पुलाव को ये पकता रहेगा, ये बहुत मज़े का बनता है ये पुलाव भी। आप लोग अगर नहीं ट्राई किया ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ना रोटी बेल ली थी, मोटी सी, मतलब जो हम रोटी आम रूटीन में बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी थी, ज़्यादा मोटी नहीं थी, थोड़ी सी मोटी थी। उसको अच्छी तरह से मैंने बेल कर और फिर इसमें से ग्लास की मदद से इसके डोनट्स की शेप के कट्स निकाल लिए। अब अच्छा, डोनट्स का जो शेप होता है ना, वो बीच में से होल होता है। मैं होल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसके अंदर फिलिंग करनी है चॉकलेट की, जो मैंने कस्टर्ड तैयार करके रखा हुआ है। तो बस अब इसको मैं स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी, दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो इनको मैं जो है निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करने, वरना ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। इनको स्लो स्लो फ्लेम पर पकते रहने देना है। इतनी देर में देखें, यहाँ पर जो है ना मेरा पुलाव का पानी भी खुश्क हो गया और चावल आपको खिले खिले नज़र आ रहे होंगे। ये सीला चावल नहीं है, ये बासमती चावल है लेकिन स्टीम राइस है। तो बस इसके ऊपर से धनिया डाला, बहुत सारा सा धनिया। जब मैं जब दम होने के लिए रखती हूँ ना, उस टाइम पर धनिया और हरी मिर्चों का इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है और कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता दम में इसका, एंड में डालते हैं तो। अगर पहले से डाल के रख देते हैं ना, बहुत पहले से, तो फिर इसका कलर काला हो जाता है। और मिक्स लाजमी करना है ताकि हर चावल को इसका फ्लेवर मिले। तो बस ये मैंने रख दिया था दम पर। और यहाँ पर जो मैंने डोनट्स बना के रखे थे ना, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा प्रिक करके होल कर दूँगी। और ये देखें, यहाँ पर मेरे पास जो है ना, जो पाइपिंग बैग होता है ना, वो नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जो जिप लॉक बैग होता है उसके अंदर अपनी सारी फिलिंग भरी और इस तरह से मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। अच्छा, होल जो है ना, आपको डीप तक करना है और थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि अंदर फिलिंग भर सके और अंदर का जो डोनट है ना, वो सारा फ्लेवरफुल हो सके। तो देखिए, मैंने सारे जो है ना इस तरह से प्रिक कर करके अंदर ये फिलिंग भर दी है और ये देखने में भी इतने प्यारे लग रहे थे। और अंदर से आपको फिलिंग दिखाती हूँ कितनी भरी है मैंने, ये देखिए बहुत मज़े के लगे थे ये। तो बच्चों को तो इतने पसंद आए थे, बच्चों के पापा को भी बहुत पसंद आए थे। मेरे हस्बैंड को जो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मेरा तो बस नहीं चलता, अगर मैं यहाँ पर जो है ना अपना डाइट कंट्रोल नहीं कर रही होती ना, तो इसमें से अभी तक खड़े खड़े मैं 2-4 तो खा ही चुकी होती। मैंने बड़ी मुश्किल से रोक रोक के अपने आप को मैंने आधा खाया था और आधा मैंने दस्सा खान पे खाया बचा हुआ। तो बस यहाँ पे पुलाव भी देखे तैयार हो गया, बहुत मज़े का लग रहा है ना। आप लोग अक्सर कमेंट में मुझे तारीफ़ करते रहते हैं कि आप ही, हमने ये ट्राई किया, हमने वो ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा था। जो कमेंट नहीं करते ना, उनसे भी मैं कहूँगी कि आप भी ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो। तो बस ये बच्चों के तो मज़े आ गए। इस तरह से जो है ना, एग्ज़ाम से पहले छोटी सी ट्रीट दे देते हैं ना, बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं और जब नेक्स्ट डे पेपर देने के लिए जाते हैं ना, तो उनका बहुत अच्छा सा मूड होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।